और जनाब बात उस एक्ट्रेस की जो फिल्मों में आने से पहले एक जानी मानी साइकिलिंग चैंपियन थी, इसके साथ साथ इंटर कॉलेजिएट स्विमिंग चैंपियन भी थी। और सपना था कि वो अपने देश भारत की तरफ से एशियाड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें, मगर बदकिस्मती से उन दिनों सिर्फ पुरुष ही इस चैंपियनशिप में भाग लिया करते थे। सपना पूरा नहीं हुआ, मगर फिल्मों में आने से पहले ही उनके बहुत सारे फैंस थे, क्योंकि ऑल इंडिया साइकिलिंग चैंपियन होने की वजह से उनकी तस्वीरें अखबार में छपती रहती थी। ये जानी मानी चैंपियन थी शोभा खोटे, शोभा ताई, शोभा दीदी हम बोलते हैं। शोभा जी की साइकिलिंग चैंपियनशिप की एक तस्वीर को देखकर अमीय चक्रवर्ती ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया। अमीय चक्रवर्ती से पहले लीला चिटनिस भी अपनी एक फिल्म के लिए इन्हें फाइनल कर चुकी थी, मगर किसी कारण से बात नहीं बनी। अमीय चक्रवर्ती ने अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर MR कामत से कहा कि वो शोभा के घर जाकर उससे मिलें और सीमा फिल्म की बात करें, ऑफर दें। जब MR कामत शोभा के घर गए तो शोभा जी बाहर आई लड़कों के जैसे कपड़े पहने हुई थी टॉम बॉय, और तकिए के साथ लड़ाई कर रही थी डिशिंग डिशिंग। ये देखकर MR कामत साहब को बहुत शौक लगा, मिलना मिलाना हुआ, और वापस जाके उन्होंने अमीय चक्रवर्ती को रिपोर्ट दी कि भाई आपने बहुत गलत लड़की को चुन लिया, इसके अंदर हीरोइन वीरोइन कुछ नहीं है, ये किसी एंगल से हिंदी फिल्मों की हीरोइन नहीं लगती है, मर्दों के कपड़े पहनकर फाइट कर रही थी। तो अमीय चक्रवर्ती ने कहा कि देखो कामत साहब, मैंने कुछ सोच समझ के फैसला किया और मैं अपने फैसले पे अडिग हूं। इस तरह से शोभा जी को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। अब जब सीमा फिल्म बननी शुरू हुई तो शूटिंग के दौरान एक सीन आ गया। इस सीन में शोभा जी को अपनी साइकिल में भागते हुए दूसरी साइकिल से भागते चोर को पकड़ना है। शोभा जी साइकिल पे है और एक बंदा आगे साइकिल पे भाग रहा है, वो चोर है, उसको पकड़ना है। तो शोभा जी चूंकि साइकिल चैंपियन थी तो उन्हें एक रेसिंग साइकिल दे दी गई जिसमें सिर्फ आगे के ब्रेक थे, और चोर के पास नॉर्मल साइकिल थी। जब ये सीन शूट हुआ तो शोभा जी ने फटाफट साइकिल दौड़ाई और उस चोर को कॉलर से पकड़ लिया, मगर जहां रुकना था वहां नहीं रुकी, क्योंकि उनकी साइकिल इतनी तेज थी और ऊपर से ब्रेक भी सिर्फ आगे के पहिए में थे, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं आगे का ब्रेक लगाई तो साइकिल उल्टी हो जाएगी। इसलिए वो उस तेज चलती हुई भागती हुई साइकिल को अपने पैरों से रोकने की कोशिश करने लगी, और इसी कोशिश में शोभा जी माई साइकिल के कैमरे से जाकर टकरा गई। ये चोट इतनी तेज थी कि कैमरों को तो नुकसान हुआ ही, शोभा जी का चेहरा भी बहुत जख्मी हो गया। 2.5 महीने तक उनके चेहरे पर सूजन रही और वो शूटिंग नहीं कर पाई। खैर साहब, 2.5 महीने बाद फिल्म की शूटिंग वापस शुरू हुई, फिल्म पूरी हुई। जिस दिन सीमा फिल्म का प्रीमियर था उस दिन भी शोभा जी की एक साइकिलिंग की रेस थी और वो उस रेस में हिस्सा लेने के बाद ही पहुंची थी प्रीमियर अटेंड करने। शोभा जी बताती हैं कि जिस साइकिल की वजह से उन्हें ये फिल्म मिली थी, इस फिल्म की वजह से उन्हें अपनी साइकिल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सीमा फिल्म की कामयाबी के बाद घर वालों ने उन्हें साइकिल से आना जाना बंद कर दिया। घर वालों ने कहा भाई अब साइकिल बहुत हो गई, और कुछ दिनों के बाद एक कार भी खरीद कर दे दी थी। अब हमेशा साइकिल से जाने वाली शोभा जी कार से जाने वाली हीरोइन शोभा खोटे बन गई। 92.7 Big FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।